किसी भी आदमी की आर्थिक स्थिति या कमजोर वर्ग का होना उसे न्याय से वंचित नहीं रख सकता है, क्योंकि शासन द्वारा कमजोर और गरीब वर्ग के लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक महिला, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग और वे लोग जिनकी सालाना आय 1 लाख से कम है, वे मुफ्त कानूनी सहायता के पात्र हैं। ये जानकारी देहरा की वरिष्ठ न्यायाधीश शीतल शर्मा ने ग्राम पंचायत सुरानी में आयोजित कानूनी जागरूकता शिविर के दौरान कही। किसी भी आदमी की आर्थिक स्थिति या कमजोर वर्ग का होना उसे न्याय से वंचित नहीं रख सकता, क्योंकि शासन द्वारा कमजोर और गरीब वर्ग के लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक महिला, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग और वे लोग जिनकी सालाना आय 1 लाख से कम है, वे मुफ्त कानूनी सहायता के पात्र हैं। ये जानकारी देहरा के वरिष्ठ न्यायाधीश शीतल शर्मा ने ग्राम पंचायत सुरानी में आयोजित कानूनी जागरूकता शिविर को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि कानूनी जागरूकता शिविरों का मकसद लोगों को सामान्य रूप से प्रचलित कानूनों के विषय में अवगत कराना होता है, ताकि जरूरत पड़ने पर लोग इसका लाभ ले सकें और आम समाज में इनकी चर्चा कर सकें। इस अवसर पर उपस्थित अधिवक्ता एसपी धनोतिया ने जमीनी मुकदमा तकसीम निशानदेही के विषय में जनता को जरूरी जानकारी दी और अधिवक्ता अभिषेक उपाध्याय मोटर वाहन अधिनियम, जन सूचना अधिकार कानून, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एवं अन्य कानूनों की जानकारी दी। इस अवसर पर राणा खुंडिया ने गिरफ्तार हुए व्यक्ति के अधिकारियों और पुलिस द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य प्रक्रिया की जानकारी आम जनता को दी। इस कार्यक्रम में पंचायत प्रतिनिधियों के अलावा बड़ी संख्या में गाँव के पुरुष, महिलाएं, महिला मंडल के सदस्य, युवक मंडल के सदस्यों ने हिस्सा लिया। ग्राम पंचायत प्रधान दलीप सिंह राणा ने और बीडीसी सदस्य नरेंद्र सिंह ने भी सभी का कार्यक्रम में उपस्थित होने का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।